अगर आज रात तुम मेरे साथ जाते हो ना तो ये पूरे 2 लाख रुपए तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी, एक अजनबी इंसान के साथ? ये लो 1 लाख रुपए और। ये क्या बकवास कर रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और पिछले 2 साल से हम एक साथ हैं और मेरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। भले ये तेरे साथ क्यों जाएगी, कोई और जगह ट्राई करो भाई। तुम्हें पता है जहाँ पर बैठकर तुम डिनर कर रहे हो ना, ये रेस्टोरेंट ना मेरा है और न जाने इस सिटी में कितने रेस्टोरेंट्स मेरे हैं और काफी होटल भी है। और जितने सपने तुमने इसके साथ देखे हैं ना, जो तुम अभी तक पूरे नहीं कर पाए, वो सारे सपने मैं तुम्हारे पूरे करा सकता हूँ, वो भी आज की ही रात। तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मेरे लिए इनफ है? ये लो 1 लाख रुपए और, अब तो चलोगे ना मेरे साथ? कहाँ लेकर जाओगे? जहाँ तुम बोलो। ये शहर बहुत बड़ा है और हसीन भी। ठीक है चलते हैं। सताक्षी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम्हें अच्छे से पता है कि पिछले 2 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। इतने से पैसों के लिए तुम इसके साथ जा रही हो? सूरज मैं तुम्हें 2 साल से झेल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें झेलूंगी। और तुम क्या कह रहे हो इतने से पैसे? तुमने इतने पैसे अपने सपनों में भी देखे हैं? अपने लिए ना कोई गरीब लड़की ढूंढ लेना अपने टाइप की। मैं जा रही हूँ। एक बार और सोच लो सताक्षी। मैंने बोल दिया ना अपने लिए कोई गरीब लड़की। चले। Are you sure? बोला ना इट्स ओवर। वैसे एक बात बताओ तुम मेरे साथ हमेशा नहीं रहना चाहते? Why not? तो फिर तुमने सिर्फ 1 रात के लिए क्यों बोला? वो तो मैंने ऐसे ही बोला। अगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे? कितने पैसे? फिर पैसे देने की क्या जरूरत है? जो सब कुछ मेरा है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा। सच्ची? अच्छा एक बात पूछूं, तुमने अचानक अपने बॉयफ्रेंड को क्यों छोड़ दिया? यू लव ईच अदर और तुम लोग शादी भी करने वाले थे। कि तुम मेरे साथ इसलिए रहना चाहती हो ताकि जैसे मेरे पापा की डेथ हो उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे से ले सको, यही ना? नहीं नहीं सूरज, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा ऐसे ही बोल रही थी, पर तुम इस टेस्ट में फेल हो गई, तुम यहाँ से जा सकती हो। सूरज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं चेंज हो जाऊंगी पूरी, पक्का प्रॉमिस। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, आई से लीव इट। सूरज प्लीज मुझे समझो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, मैं पक्का चेंज हो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। निकलो यहाँ से। सूरज प्लीज सुनो तो सही, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, निकलो यहाँ से।